हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। क्या है डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। देखिए, एक ट्रेपेजियम दिया गया है अपने को, फिगर हमने खुद ड्रॉ करना है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड्स पैरेलल और दो एंटी पैरेलल। ये मान लो है ए बी सी डी। एक और विशेष बात का ध्यान रखें, जब हम ये लिखते हैं तो ए के ऑर्डर में लिखें ए बी, और फिर ऐसे घूम रहे हैं तो ऐसे ही घूमें। अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो फिर ऐसे लिखें। ऐसा नहीं करें कि ए बी के बाद सी यहाँ लिखो और डी यहाँ लिखो। यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, इस ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये अपने को गिवन है। हमें क्या गिवन है? ए बी पैरेलल है इन ट्रेपेजियम, यहाँ लिख लेंगे। देखो, गिवन क्या है वो भी आपको लिखना है। क्या प्रूव कर रहे हैं ट्रेपेजियम ए बी सी डी के अंदर, क्या गिवन है अपने को? ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। ए बी पैरेलल टू डी सी हम लिख लेंगे। हमें और क्या दिया गया है? इसके जो डायगनल्स हैं ए सी और बी डी, ए सी ए को सी से मिला लेंगे और बी डी बी को डी से मिला लेंगे। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। अब यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कहता है एक सिमिलरिटी कोई क्राइटेरियन को यूज करते हुए फॉर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करते हुए शो करें कि ये ओ ए का रेशियो ओ सी के साथ इक्वल है ओ बी का ओ डी के साथ। देखें क्या शो करना है अपने को, शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो, ओ बी अपॉन ओ डी, हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे ये देखिए जो शो करना है अपने को वो कहाँ है अपने पास, ओ ए और ओ सी। ओ ए ये रहा ये साइड और ओ सी ये साइड अपने को नजर आ रही है। ओ बी ये है ओ बी इसके अंदर, और ओ डी कहाँ है ये है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स, हम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इनको अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें? सिमिलर प्रूव कर दें, तो कोई भी क्राइटेरियन से को यूज करते हुए। क्राइटेरियन क्या क्या होते हैं अपने पास, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप वो यहाँ से जरूर देख लें। देखिए, एंगल 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 से बोलते हैं, सिमिलर एंगल एंगल से बोलते हैं, साइड एंगल साइड से बोलते हैं, और साइड 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 से बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर कोई फुलफिल होता है तो बोलेंगे कि ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। यहाँ पे देखें तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे, बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में? ए ओ बी में एंड एंड डी ओ सी में, डी ओ सी के अंदर बात करेंगे। तो देखो, अब यहां पर देखें तो देखो, ये जो है ये ओ पॉइंट, यहां लिख लेता हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको एंगल वन नाम दे देता हूं मैं, इसको टू। एंगल वन इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल वन इक्वल है एंगल टू के। क्यों इक्वल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होता है। अब आगे देखें तो यहाँ पे देखो, हम अपने पास क्या है, ए बी लाइन सी डी के क्या है? पैरेलल थी ना। देखो यहाँ पे ये रही ए बी पैरेलल है सी डी के, तो पैरेलल है इट। और यहाँ पे बात करें तो ये जो लाइन ए सी जा रही है, जो इसका डायगनल है, वो इसके इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करेगी। ए सी जो है वो क्या किसका काम करेगी? इसके लिए एक इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करेगी। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा। देखो, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्या है ये? अल्टरनेट है और इंटीरियर है, अंदर है ये एंगल। तो यहाँ पे बोलेंगे, इनको भी नाम ले लें, अदरवाइज पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे थ्री ले लेता हूँ और यहाँ पे फोर ले लेता हूँ। यहाँ पे एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के। ये क्या है? ये अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब देखो, आगे देखें तो सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये भी एक इसको
इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे है इसमें, इसमें ऐसे है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा। देखो ईस्ट एंगल में ये एंगल हो गया और इसमें कौन सा ये बड़ा एंगल हो गया। इसको नाम दे दें, 1 2 3 4 हम दे चुके हैं, तो यहाँ पे 5 नाम लिख दें, इसको 6 लिख दें। आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, और ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो तीनों एंगल्स क्या आ गए अपने इक्वल आ गए, क्या आ गए तीनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो हम बोल सकते हैं देयर फोर बाई एंगल 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 क्राइटेरियन से, उधर बताया ना मैंने आपको क्राइटेरियन से, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेंगे ट्रेंगल, कौन सी ट्रेंगल। अब इस बात का ध्यान दें, देखो जो एंगल जिसके इक्वल आता है वही उसी अकॉर्डिंग अपने को ट्रेंगल्स जो हैं वो सिमिलर लिखनी होती हैं। देखो ए, अगर मैं एक ट्रेंगल लिख लेता हूँ पहले, तो ए ओ बी में लिख लिया ट्रेंगल सिमिलर है। अब ए एंगल जो है वो किसके इक्वल आया था, ये सी के आया था, तो सबसे पहले सी लिखेंगे यहाँ सी, फिर ओ के साथ क्या है ओ ई है सी ओ, और बी एंगल किसके इक्वल आया था, ये जो बी था वो किसके इक्वल आया था, 5 और 6 इक्वल आए थे ना, तो डी के आया था। यहाँ पे देखें अगर ट्रेंगल्स ये क्राइटेरियन फुलफिल कर रहे हैं और अपने को सिमिलर लिखना है तो सोच समझ के लिखना होता है। ये एंगल किसके इक्वल है वही अपने को लिखना है, ये किसके इक्वल है वही, और ये बी डी के इक्वल था, इसलिए ही हमने देखिए 5 और 6 इक्वल थे ना ऐसा लिखा है। तो ये ट्रेंगल सिमिलर हो गई। अब ये ट्रेंगल सिमिलर हो गई तो हमें पता है कि जब ट्रेंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या रहता है इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो फर्स्ट टू ए ओ अपॉन सी ओ, इसके फर्स्ट टू इसकी फर्स्ट टू इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, इसकी लास्ट टू और इसके लास्ट टू, और यही तो अपने को प्रूव करना था। और अगर इसमें और ज़्यादा लिखें वैसे यही प्रूव करना है अपने को, तो यही छोड़ देंगे। और वैसे पता होना चाहिए कि ये ए बी फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड के भी क्या है इक्वल है ए बी अपॉन सी डी, ये तो हमने तो यही दिखाना था। ओ ए, ओ ए अपॉन में ओ सी या सी ओ जो भी है इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी के है, ये हमने शो करना था, तो ये प्रूव होता है, ये प्रूव होता है। ये था आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3।